यू नो इट्स अ एनजीओ एंड आज पांचवा साल है इस एसोसिएशन का और बैसाखी मनाने जा रहे हैं. हर इवेंट पे वी हैव बीन ग्रेस्ड बाय अडवाणी जी बाय हिज प्रेजेंस बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र या ठाकरे जी हमारे इवेंट्स में आए हैं. इस पर्टिकुलर इवेंट में हमें अपने ही परिवार को चीफ गेस्ट बनाया है. पाँच साल पहले जिस एसोसिएशन को एक नींव रखी गई थी उनके फाउंडर्स को आज बुलाया गया है. आज उन्हें ही फेलिसिटेट किया जाएगा और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कॉल जसी गिल जी एंड बबल राय जी. फ्रॉम द डे हमने ये इवेंट फाइनलाइज किया है. जीपी एक फैमिली है और इस 3000 फुल ऑडिटोरियम को भरने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका 10 गुना मतलब 30,000 लोग भी कम पड़ते हैं. मैंने काफ़ी दिनों से अपने मोबाइल के नंबर्स भी साइलेंट पे रखे हुए हैं क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि पासेस पासेस और पासेस जो मेरे पास नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है. तो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इस ऑडिटोरियम को चुना जिसकी कैपेसिटी 3000 है. जीपीए के ऑडियंस के लिए ये काफ़ी है पर अगर आज मैं इवेंट एक ओपन ग्राउंड में भी करता तो शायद एक 10,000 की ऑडियंस भी हमें कम पड़ती. सो इट्स अ प्रिविलेज एंड अ ग्रेट ऑनर कि जस्सी गिल जी और बबर राय जी हमारे बीच आए हैं. सो थैंक यू सो मच एंड द जीपीए इज ब्लेस्ड बाय हिज कमिंग. बहुत अच्छा फील होता है जी. स्पेशली जब पंजाब से बाहर जाते हैं उस टाइम ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि पंजाब में तो सारे लोग हैं, पता होता है कि पंजाबी गाने गाते हैं पर स्पेशली अभी बॉम्बे में पहुँचे हैं तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी फीलिंग है. अच्छा लगता है जब प्यार करते हैं लोग क्योंकि लोगों के प्यार की वजह से हम यहाँ पे हैं. क्योंकि पंजाब हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि पंजाब में कभी शोज़ करेंगे, पंजाब के बाहर करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं तो ये बड़ी अच्छी फीलिंग है. अब ऐसे कह सकते हैं कि ब्लेस्ड हैं, भगवान की तरफ से कुछ अलग से डाला हुआ है हमारे अंदर जो लोगों को अच्छा लगता है और हम यही बोल सकते हैं कि ब्लेस्ड हैं जी. पहली बार है वैसे हम बॉम्बे आते रहते हैं, ये लाइव शो हम पहली बार कर रहे हैं यहाँ पे तो बड़े एक्साइटेड हैं पहली बार ऑडियंस को मिलने के लिए. क्योंकि स्पेशली लाइव शोज़ में क्या होता है कि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते लोगों के साथ ऑडियंस के साथ तो एक्साइटेड हूँ उसके लिए. सारे जो मेरे अपने पॉपुलर सॉन्ग हैं जैसे बापू जिमीदार, लदेन, अत करती, गबरू, बहुत सारे गाने हैं जो यहाँ पे सुनते हैं लोग. यहाँ पे मेरे को रेडियोज़ पे भी फ़ोन आते रहते हैं रेडियो से कि आपके यहाँ पे टॉप 10 में चल रहे हैं गाने, ये चल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सुना के जाऊँगा. और नए गाने हैं जो रेडी किए हैं, नई एल्बम के गाने वो सुनाएंगे जी. जैसे जस्सी ने बताया कि ऑलवेज़ बहुत अच्छा लगता है कि जब पंजाबी गानों को या हमारे गानों को इतना पसंद करते हैं खास करके पंजाब से बाहर जब सारे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म हेयर. वी आर परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो लाइक जैसे रमन सर ने बताया कि लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कब जाके परफॉर्म करें एंड टू मेक देम डांस. जी हमारे ड्यूट सॉन्ग हैं जो भी हमारे हमने इकट्ठे जो किए हुए हैं वो गाएंगे और पुराने जितने भी हिट नंबर्स हैं सारे और नए जो गाने हमने अभी रिलीज़ करने वो भी सुना के जाएंगे. लाइक दिस इज प्लेजर फॉर अस टू बी हेयर बी द पार्ट ऑफ द इवेंट. ओ कुड़ी दे हुसन ने भी अत करती मुंडा वैल पुणे दिया चढ़े पौड़ियां. कुड़ी दे हुसन ने भी अत करती मुंडा वैल पुणे दिया चढ़े पौड़ियां. एंड इट्स अ रियली ऑनर कि दे बोथ हैव जॉइंड अस टुडे. बोलना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम है क्योंकि स्पेशली पंजाबी लोगों के लिए जो पंजाब से बाहर रहते हैं उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए हर साल ताकि वो अपने पंजाब के साथ पंजाबी गानों के साथ पंजाबी कल्चर के साथ जुड़े रहें. तो बहुत अच्छा कर रहे हैं पाजी रमन पाजी, इनकी सारी एसोसिएशन. सो मेरी तरफ से गुड लक है इनके लिए. आज नहीं, आप अगर बाद में भी कभी भी याद करोगे हम ज़रूर पहुँचेंगे आपके लिए जी. वाह वाह वाह, तुम सारे ठीक हो? बहुत बहुत प्यार थोड़ा सारा का वेलकम कर रहे हैं. थोड़ा सारे विसाखी दी बहुत बहुत मुबारक. थोड़ी जी लेट देने लगे पर स्वाद लिया पंजाब बनाया पाया सारे जने. उपर वाले भी एक बार हाँ जी. अच्छा डबल स्टोरी है, लाइट बहुत तेज है, मैंने देखता नहीं. पर सारा का वेलकम कर दें, सारा टाइम नहीं लावे क्योंकि टाइम भी घट. ओ देखी मरना जाए तू संग नाले मुंडिया, गल करनी पैंदी है टंग नाले मुंडिया. जे मैनू करदा पसंद क्यों नहीं बोलदा, करदा पसंद क्यों नहीं बोलदा. रोज लंघ जाना देख मेरा मुंह वे, मैं कुड़ी होके अने नखरे नहीं करती. वे जिन्ने मुंडा होके करदा है तू वे. कई मुंडे शर्मीले होंदे मेरे वर्गे, कह नहीं पाउंदे कदे.
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਂਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਟੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਗਰਾ ਜੇ ਚੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਭਰੂ ਤੋਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਪਰ ਗੱਭਰੂ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਬਣ ਚੋਣ ਜੋਗਿਆ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਬਣ ਚੋਣ ਜੋਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨੂੰ ਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਨਖਰੇ ਨੀ ਕਰਦੀ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਮਾਰੂਗਾ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਕਰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਛੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਠੋਕ ਦੂੰਗਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਕਹੂਗਾ
Yeah,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਗਾਉਂਗਾ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਰੈਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕਰੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦੋਂ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰੇ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪਾਓਗੇ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡੈਡੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਊਂਗਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੈਗ ਪੁਗ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਹੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਵੈਨ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਚੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਟੇਡੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੀ ਤਿਆਰ ਟੇਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਲਬਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਆਪ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਮੈਂ ਅੱਤ ਕਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ 'ਚ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੋਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਂ ਉਹ ਟੇਡੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੀ ਤਿਆਰ ਟੇਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੇਲੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟੀਨ ਗਨ ਦਾ ਉਹ ਚੰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਖਮੀ ਨਗਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ
Association, it started in 2012 and this is its fifth year. Actually, it was Ramanji's dream, so that is how it started. And I can never forget that we launched it on 12th August, and that is my son's birthday. So I consider this as a baby. We can say that Global Punjabi Association was born on 12th August, and that was another family which we started. And we try to do the whole thing, me and Ramanji, that this family,
बहुत खुश रखें और इसको बहुत आगे बढ़ाएं एंड दैट इज़ ऑल दैट वी थिंक अबाउट. सो इट्स नॉट अ एसोसिएशन एनी मोर, इट्स बिकम अ फैमिली फॉर अस. तो हम लोग जो भी करते हैं एक परिवार के लिए कैसे करना चाहिए, बस मैं और रमन जी यही सोचते हैं. सो वाहेगुरु का शुक्र है कि आज ये एसोसिएशन एक फैमिली हो गई है एंड इट इज़ सो ह्यूज कि वी रियली रॉक. एंड आज का फंक्शन भी आपने देखा होगा कि लोग ऐसे इंजॉय कर रहे थे कि लाइक इट वॉज सो हैप्पी. आई मीन वी वर वेरी हैप्पी फॉर इट और वो उनकी खुशी ही हमको इतनी सेटिस्फैक्शन देती है और इतना इंक्रेजमेंट देती है कि नेक्स्ट इवेंट वी शुड डू इट समथिंग मोर, तो हमारा परिवार और खुश हो और इंजॉय करे. बिल्ली ने पिया शेर का खून और पीकर बोली गुड आफ्टरनून, ठोको ताली. मैं तेरा सहारा तू मेरा सहारा, दिल टोटे टोटे हो गया बोलो तारा रारा. आईडी दे अंदाज दे विच बधाइयां देनियां सी खुराना साहब. किस तरीके ना हजूरे वाला, जैसे लाफ्टर में सिद्धू जैसा सरदार नहीं हो सकता, ऊपर वाले से बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता, उसी तरह से माय डियर फ्रेंड इस पूरी दुनिया में ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के परिवार जैसा कोई दूसरा परिवार नहीं हो सकता. ठोको ताली गुरु. वो एनर्जी दे देते, सबको एनर्जी देते, लेकिन हम अजी समाज सेवा के काम जो तुसी करते हैं असी भी करते हैं. इदा दी गल जिन्हें कॉमेडियन है असी हर महीने में समाज सेवा का शो करते हैं. इतों तक असी पिछले महीने जरा सारे कॉमेडियन कट्ठे होके, मैं सिद्धू साहब शेखर सुमन कपिल असी सारे कॉमेडियन कट्ठे होके पागलखाने शो करके आए हैं. 4 घंटे पागलों ने चुटकले सुनाए भाजी, आप 4 घंटे ताड़िया तो बनदिया भाजी, 4 घंटे तक पागलों ने चुटकले सुनाए. 4 घंटे बाद जो उन्होंने कुटिया सानू नहीं पागलखाने के इंचार्ज ने ओरी लत्त मां तोड़ती. असी उन्होंने पूछा भाई साहब चुटकले असी सुनाए, जुत्तियां तुहानू गल ही पईआं. पागलखाने का इंचार्ज बोलिया जी सारे पागलों ने सिर्फ एको गल करन कुटिया कि अगर इदा के बंदे बाहर खुले घूमन डाए है तो कमीने सानू गल ही बन के रखिया जी. सो उतो बड़ी मुश्किल ना बच के निकले जी, लेकिन एक बार तालियां ला दो, तालियां नालों नाल ला दो. सामने एक सरकारी बस भूचाल आसन कर दी जा रही थी, जग 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 वो बेचारे का थार करके बेच बजी, वो सीस आसन छोटे छोटे पीस आसन च बदल गया. गलत योगा नहीं करना, सही योगा करो. बाबा जी उठा देते सारे 3:30 और अपने अंदाज च शुरू हो जाते. बाबा जी उठिए उठिए करना पड़ेगा, ये नहीं कि तोंद निकाल कर बैठे है, बाकी काला दिन तो मैं वापस लेकर आऊंगा. और भाई मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं, देश लूट लूट खा गए, स्विस बैंक भर लिया. फिर कहता बाबा बोलता है, बाबा बड़ी बोल रहा है. बड़ी बोल रहा है बाबा, लेकिन दिल का भोगा. चलिए बाबा तो बोलता रहेगा, नाक से योगा कीजिए देखिए कितना फायदा होगा. नाक से योगा करने से बहुत फायदा, करिए करिए करिए. पिछों को उठ के बोलिया, बाबा जी मेरी जगह चेंज कर दो. क्यों तुझे क्या हो गया? बाबा ये सामने वाले बंदे की नक का योगा 3 बारी मेरे मुंह से आ चुका है. मैं योगा करा कि योगा पूजा. देखिए माहौल खराब नहीं करना, वरना सिवर से बाहर निकाल दूंगा. माहौल खराब नहीं करना, चलिए सांस अंदर खींचिए. सांस अंदर खींचने से बहुत फायदा, सांस अंदर खींचने से फायदे फायदा. ऐसे पीछे फिर को उठ के बोले, बाबा जी मेरी जगह तो चेंज कर ही दियो. अब तुझे क्या हो गया? बाबा जी जेड़ा सामने वाला मोटा बंदा सांस अंदर नहीं खींचन दिया, सिर्फ छटन दिया, वो भी गलत जगह. तो मैं सिवर से बाहर निकाल दूंगा. फिर कह रहा हूं चलिए ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करने से बाल बढ़ते हैं. ऐसा ऐसा अच्छा बाबा जी ने इधर तक कर दिया तो सारे ने बात थी. ऐसा ऐसा हर बंदा कर रहा है, ऐसा ऐसा करिए बाल बढ़ते हैं. सामने 90 साल के बुजुर्ग माता जी कर ही नहीं रहे, बाबा जी डांट रहे. अरे माता बाबरी हो भी तो बाल बढ़ते हैं. माता जी बाबा जी ने कह रहे, बाबा जी आसन करवाना बंद कर दो. क्यों
क्योंकि इदा करना मेरे मुछा निकल आई जे कद कद साइड इफेक्ट भी हो जाते लेकिन योगा सर इन्ना हिट हो गया खुराना साहब मैं एक दोस्त के घर गया उन्हें अपने योगा के आसना से अपने परिवार वाले ने ना रखे मैंने इंट्रोड्यूस करवा रहे अपनी फैमिली का कहना मिलो मेरे दो बेटे अलोम बिलोम मेरी वाइफ कपाल भारती मेरी भैन बटरफ्लाई और मेरे दादा जी सूर्य प्रणाम सिंह मैं आखा दादी नजर नहीं आ रही ओदा तो भाजी पिछले साल करवाया उन्होंने मैं सलाम करदा सैल्यूट करदा क्योंकि वो शहीद सिर्फ इन्ना चाहते थे कि बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना प्यारे तिरंगे को सीने से लगाए रखना तो तिरंगे के नाम तो तुम तारियां मारियां बहुत बहुत शुक्रिया सो क्योंकि माहौल बनिया हसन का भी उस तो बाद नचना टपना भंगड़े भी पाने हैं सो मैं तारियां तारियां एक होर कलाकार साढ़े बड़े सीनियर कलाकार बहुत सारिया फिल्मों तुम देखे है वह भी इस मौके से तुम हसान दे मैं मंच से सदा दे रहा बनवारी लाल झोलसा झोलसा प्लीज क्या बात है जी ये किल कितने कटे है कभी कभी हो जाता है गल माइक दे दो सर चक्कर सब दे सब डर 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 डोरी ची बैठा कर चक्कर घूंघट ऐत की भरजाई समझ चुके सी काफी गुस्से च क्या जवाब देना जरूरी है तो साढ़े भरजाई ने की जवाब दिता घोड़ी चो ही जी मैं शर्म आती है ले कमाल की गल तू भी हकली मैं भी हकला दोनों भैन भरा शर्म गादी चक दे गोगट पर ऐसी गल नहीं विआह दे बाद काफी तरक्की की इन्होंने रब की कृपा नाल इन्हां दे चार मुंडे ने चारों अपने ने वैसे साढ़े इन्होंने हमने तुम्हें दसिया ना कि पंजाबी पूरे वर्ल्ड फैले हुए ने और हर जगह उन्होंने अपना झंडा गाड़िया होया क्योंकि हाजिर जवाबी जड़ी है कमाल दी है एक दुकानदार उदा अंग्रेजी मेरी तरह हद तंग सी फल की दुकान लाई हुई सी एक अंग्रेज की दुकान पर आके खड़ा हो गया आंदे कह लगा हाय जनछमैन उन्हें केला चुकया और दुकानदार ने कहा व्हाट इज दिस दुकानदार कहा दिस इज वो बनाने भुल गया अंग्रेजी कह दिस इज केला ओ ह्यूमन बनाना ओ आपा नहीं बनाना बनाने वाले ने बनाना खैर कहने लगा हो वेरी स्मॉल बनाना हमारा उधर कंट्री में बहुत बड़ा बड़ा बनाना होता है वो कहता होंगे होगा यार इतने ये होंगे ने तू जड़ी चीज लैनी ले अगे बद उन्हें सेब चुकया अंग्रेज ने कहता व्हाट इज दिस उन्होंने कहा दिस इज सेब ओ ह्यूमन एन एप्पल हाउ यू बड़ा छोटा है उधर हमारी कंट्री में बहुत बड़ा बड़ा एप्पल होता है ओ होंगे ना यार तू लड़ी की चिड़िया वो दस खैर जी दुकानदार गुस्सा आ गया हिंदुस्तानी सी उन्हें तरबूज चुकया अंग्रेज ने व्हाट इज दिस दुकानदार समझ गया उन्हें कहा दिस इज अंगूर हूँ दस तेरे पोतरी तेरे देश कितना वड्डा है सो साढ़े दुकानदार बड़े हाजिर जवाब होंगे ने और एक आइटम मैं तुहाडे सामने पेश कर पता नहीं मिर्गी मार जाती की हुंदा है वी चैनल तो तुम प्रोग्राम्स देखे होने ने जब जेंट्स गाता इंज लगता है पेट कब्ज हो गई है उदा के स्टैंड है पता नहीं कितों गा रहा है कुड़ी गाँधी है पता नहीं गा रही है कि रो रही है Life was how how पता नहीं ठंड लग रही कि गा रही है तो भंगड़ा डांस क्लासिकल उसके बाद ब्रेक डांस जरा अचानक कितना गड़बड़ी होंगी है एक आइटम पेश कर रहे हैं उसके बाद मैं और दीपक राजा जी एक आइटम तुहाडे सामने पेश करांगे भंगड़ा जरा कि समझ आता है हो मैं कहता है रब दी बाया वो कहते पीर वह कोई ओ मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना भाई कोई ना ओ बल 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 पम 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 कंधा उत्ते थिरे हो लिया पता लग रहा है कि भंगड़ा हो रहा है क्लासिकल वो भी समझ ही जाता है ये ने कुंगरू बसते ने पता लगता है
एक क्लासिकल चल रहा है हूं देखो जरा ब्रेक डांस जोरदार तालियां जी झोल साहब दे लई। जिस तरह इन्होंने कहा कि विआह तो बाद बड़ी तरक्की कीती है ते घर दे विच मैं अपने मुंडे दा हवन रखिया नामकरण ते उहदे लई उहदे चक्कर च घर दे विच हवन कराना है पर मैनू हवन कराना नहीं आंदा इसे करके मैं पंडित जी नूं सद्दिया है पर क्या है ए टाइम है कोई आण दा तुहानू 8:30 बजे सद्दिया 9:30 बज के तुसी हुण आ रहे हो अरे जजमान क्या बताएं हम बस के पीछे भाग भाग के आए हैं बस के बीच में बैठ के आना चाहिए था आपको पैसे नहीं थे चलो जल्दी ना हवन करो मैं ऑफिस जाना ठीक है जी मैं ऑफिस चला तुसी हवन करो कमाल की बात कर रहे हैं आप अरे हवन आपके बिना कैसे होगा पंडित जी मैं तुहानू पहले ही कहा कि मैनू हवन करना नहीं आंदा ऐसे करके तो तुहानू सद्दिया डोंट वरी आई एम हियर अच्छा जजमान देखिए जैसे हम कहें यानी कि हवन तुसी मैंने दसोंगे किदा करना हवन हम बताते हैं आप सुनिए हाँ जो मैं कहूँ वो आप कहना जो आप कहें वो मैं कहूँ और जो मैं करूँ वो करना जो आप करें वो मैं करूँ ऐ हवन तो आसानी बहुत है गाजी कोई गल नहीं तुसी शुरू करो जी वेरी सिंपल हाँ जी थोड़ी सामग्री हाथ दे लीजिए ले ली सामग्री अग्नि स्वाहा स्वाहा थोड़ा क्या उपाओ थोड़ा क्या उपाओ ओम ओम पाया नहीं पाओ याद पा क्या कर रहे हो पाओ आओ ना पाओ एक ही तो आओ पाओ क्या कर रहे हो आओ पाओ की जो मैं कह रहा हूँ उसको करो जो मैं कह रहा हूँ उसको करो करे या कवाली हो रही है करे आप मेरी नकल कर रहे हैं मैं आपकी नकल कर रहा हूँ और कौन कर रहा है आप समझ नहीं रहे हैं ऐसे की उठाइए और कहिए स्वाहा बस इतनी सी बात है अब मैं करूँ या रहने दूँ हम तो कर रहे हैं दुर्वत स्वाहा अग्नि स्वाहा अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए मेरी धर्मपत्नी घर बैठी है तो निर्मला जी को आवाज दीजिए हम आवाज क्यों दे भाई निर्मला जी आपकी पत्नी है हरिओम पागल हो गया क्या अरे निर्मला जी मेरी बहन के बराबर है खोता किसे पासेगा मारा किसे आपने देखिए बदतमीजी कर रहे हैं मारूंगा खींच के थप्पड़ तू मारेगा मार के दिखा ये ले सचमुच मार रहा गलत कर रहे हैं हम तो सही कर रहे हैं ओम बुरवस्वाहा लाओ दक्षिणा दीजिए ओ यार दक्षिणा ब्राह्मण को देते हैं तो पैसे निकालो ऐसे जेब में हाथ डालिए और यूं 2100 रुपए निकालिए चलो सो सही कुछ तो निकाला पकड़ा अरे वो नोट कहाँ गया जो जेब में से निकाला था वो मैंने रख लिया तुमने रखना नहीं था मुझे देना था क्या देना था अरे हाथ में पकड़ के रख ऐसे पकड़ा दे
यार तू करता क्या है? करता क्या है? पागल है क्या? पागल है क्या? ये मेरा 2000 का नोट क्यों? ये मेरा 2000 का नोट क्यों लिया? इसे 2000 का नहीं, ये इसे 2000 समझ रहा पागल है। बेटा ये 100 का है। बेटा ये 100 का है। किसके पल्ले पड़ गया हूँ मैं? किसके पल्ले पड़ गया हूँ? गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। हमें पैसे से लालच नहीं है, पैसे से लालच नहीं है। ये बड़े पैसे, ये बड़े पैसे उठा ले, उठा ले। अब कह रहा उठा, अब कह रहा उठा, उठा ले, उठा ले। नीचे क्या कर रहा है? नीचे क्या कर रहा है? भगवान, हे भगवान, कोई आइडिया बताइए, कोई आइडिया बताइए। आइडिया, आइडिया आया कुछ नहीं, आया कुछ नहीं। बता अपने बाप का कौन सा आइडिया, बता अपने बाप का कौन सा आइडिया। हम बताएं, हम बताएं, बता बता। चल सुन, चल सुन, चल सुना, चल सुना। क्या सुन सुना कर, क्या सुन सुना कर रहा है? अब हमारी सुन, अब हमारी सुन। ये डोडे बंद कर ले, ये आंखें बंद कर ले। मैंने कर ली, मैंने कर ली, मैंने भी कर ली, मैंने भी कर ली। काम बन गया है, काम बन गया है। बड़ी मुश्किल से बना है, बड़ी मुश्किल से बना है। आप खड़े रहो, आप खड़े रहो, हम भागेंगे, हम भागेंगे। भाग भाग पंडित जी, भाग। हो गया, आंखें खोल लो पंडित जी। एक बार जोरदार तालियां दे। Yeah.
ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਮਾੜੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਲਈ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਕੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਦੀ। एसोसिएशन जो पिछले इतने सालों से ये काम कर रहे हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर के मुल्कों में भी, मैं समझता हूँ बहुत ही बधाई के ये पात्र हैं और समाज सेवा के बहुत सारे काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के बाहर रह रहे पंजाबियों को भी अपने कल्चर के साथ, अपने सभ्याचार के साथ जोड़ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। मैं, हमारा सबका सपोर्ट उनके साथ है और जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको सल्यूट है। इसी तरह आगे बढ़ते रहें, कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहें। कांग्रेचुलेशन जी। ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन का मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। जो खुराना साहब हैं उनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है और बस यही है कि हमारा पहली मुलाकात है, आगे होती रहेगी। वी हैव सीन ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन बीइंग फॉर्म्ड सिंस द टाइम इट स्टार्टेड इन 2012 फ्रॉम स्क्रैच एंड नाउ इट हैज 3000 प्लस मेंबर्स व्हिच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड सभी लोग ये जानते भी कि इट इज़ द बिगेस्ट पंजाबी एसोसिएशन इन मुंबई एंड दैट इज अनदर फेदर इन देयर कैप अपार्ट फ्रॉम डूइंग सोशल वर्क एंड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द पंजाबी कम्युनिटी। Global Punjabi Association is basically trying to get all the Punjabis together. Basically, Punjabis like us who are scattered, you know, all over India rather than being in Punjab. So we connect with each other. You know, we still go ahead with whatever is going on in Bollywood. So it's just kind of, you know, just to make us happy, make us, you know, feel about, yeah, we are also a part of it. Not just we are staying in South, we're staying in West. It's just getting all the Punjabis of the world or of India basically together. The performance was awesome, amazing. It was so fantastic that actually people were fighting for it. Like, they're sad, why did it close so early? I have been associated with Mr. Raman, who is the founder of GPA. And I'm very happy to work with, because he's a very good person. I, being a musician, I have worked across the planet, across the world, but there are very few people which you remember,
Raman is one of them. He always calls us for a variety of programs and shows and whatever. So we are associated with him, and for completing 5 years, I am also happy that we are joined together. ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अनाथ आश्रम्स में विधवाओं को और जिनको मेडिकल अटेंशन की नीड है, उन सबके लिए हमने जो हो सके थोड़ा थोड़ा प्रोविजन करके और उनके चेहरों पे खुशियां और रौनक लाके उनको सोसाइटी में साथ में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम सारा साल करते रहते हैं, उसमें रिलीजियस प्रोग्राम्स भी होते हैं ताकि हम बच्चों को अपने रिलीजन के साथ जुड़ें। एंड वी विश हम सारे GPA के मेम्बर्स who are very thankful to the society to have given them this presence. We wish that all should be able to participate, have fun. We try to help each and every person to come up and to become a responsible citizen. So that's what GPA is doing, and I hope we keep on doing this. Thank you so much.